एवरीवन, दिस इज रितिका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। सॉरी मैं इतने दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मैं आउट ऑफ टाउन थी और आने के बाद मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से वीडियो अपलोड करना पॉसिबल नहीं था। तो चलिए अब वीडियो के बारे में बात करते हैं। आज मैं आपके साथ बहुत ही इफेक्टिव फेस पैक शेयर करूंगी। ये फेस पैक स्किन क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, डार्क स्पॉट्स लाइट करेगा, स्किन को ग्लोइंग बनाएगा और कॉम्प्लेक्शन को फेयर करने में भी काफी हेल्प करेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस फेस पैक को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक पोटैटो, एलोवेरा जेल, आप फ्रेश एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हैं, और ग्लिसरीन। सबसे पहले आलू का छिलका उतार लेंगे और इसे ग्रेट करके उसका जूस निकाल लेंगे। आप चाहे तो मिक्सी में ग्राइंड करके भी जूस निकाल सकते हैं। आलू में स्टार्च होता है जो नेचुरल ब्लीचिंग का काम करता है, जो रंग को गोरा करने में काफी हेल्प करता है। आलू के रस से ओपन पोर्स भी बंद होते हैं और स्किन टाइट करने में भी काफी हेल्प करता है। आलू में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो फेस पर ग्लो लाने में काफी हेल्प करते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है, पिंपल्स है, तो ये फेस पैक आपके लिए बहुत अच्छा है। सनबर्न में भी पोटैटो फेस पैक बहुत अच्छा काम करता है। डार्क सर्कल्स, ब्लैक स्पॉट में भी ये काफी हेल्प करता है। ये लगभग 2 चम्मच के करीब आलू का जूस निकला है। अब हम इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल डालेंगे। और 1 चम्मच ग्लिसरीन। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये पैक थोड़ा पतला ही रहेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे अपने फेस पर किस तरह से अप्लाई करना है। सबसे पहले अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर ले। क्लीन करने के बाद इस फेस पैक को अपने फेस पर लगाएं। आप इसे ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हैं। इस पैक को लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये थोड़ा पतला होता है। आप इसे अपने फेस पर, नेक पर अच्छे से लगाएं। 20 से 25 मिनट तक इसे रखें और फिर पानी से धो लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।